3224 करोड़ की लागत से 113 सड़क परियोजनाओं की सौगात दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। अधिकारियों से भी उन्होंने दो टूक कहा कि सब कुछ मंजूर है लेकिन क्वालिटी में समझौता मंजूर नहीं है। चीफ इंजीनियर से ठेकेदार डरते हैं कि कब बिल रुक जाएगा। आजकल कई एक्सीएम तो ठेकेदार के पार्टनर बन जाते हैं। भ्रष्टाचार बढ़ गया है और ऐसे में ठेकेदार क्वालिटी में समझौता करता है। ठेकेदार के साथ अधिकारियों की पार्टनरशिप से ही सड़कों की क्वालिटी खराब होती है। मैं आपकी जिम्मेदारी मानूंगा, निचले के अधिकारियों की नहीं। आप चाहे एपीओ करें, सस्पेंड करें, कुछ भी करें, ऐसे में मॉनिटरिंग करने का काम कौन करेगा? पब्लिक के हित में काम करना चाहिए। आपको खुद से पूछना चाहिए कि आप जनता के हित में काम कर रहे हैं या नहीं। व्यक्ति सरकार में हो या ब्यूरोक्रेसी में, बस उसे ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। सड़क दुर्घटना के मामले में सिर्फ सप्ताह मनाकर रह जाते हैं। मानसून में अच्छी बारिश हुई लेकिन सड़कें बहुत टूट गई। 20 अक्टूबर तक सड़कें ठीक करने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। सीएम ने कहा 21 अक्टूबर को मीटिंग में मुझे रिपोर्ट दें। कृपा करके आप लोग राष्ट्रीय में पूरी कमान हाथ में ले लें सब लोग उत्तरदाय मैदान में। और जो आपने मेरे ख्याल से 5 सितंबर से 20 अक्टूबर तक का रखा है आपने समय इसका कैंपेन का मेंटेनेंस के लिए, प्लीज आप लोग 20 अक्टूबर तक बता दीजिए। 21 अक्टूबर को अपन मीटिंग भी करना चाहें तो आप पूरी रिपोर्ट दे सको हमें कि साहब शानदार हमने काम कर दिया। ये मेरा कहना था। और चलिए संवाददाता नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, बेहद अहम है जहां एक बड़ी सौगात सड़क के को लेकर प्रदेश के मुखिया ने दी है लेकिन साथ ही साथ दो टूक शब्दों में अधिकारियों को भी समझाइश दी। विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे आज किस कार्यक्रम को लेकर। श्वेता बिल्कुल, देखिए आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जब जोधपुर दौरे पे थे तब भी उन्होंने अधिकारियों को वहां की सड़क को लेके शिकायतें की थी और कहा था कि यहां पे उनको काम करना चाहिए। आज पीडब्ल्यूडी विभाग का कार्यक्रम था, कई सौगातें मुख्यमंत्री दी थी। इस वक्त जो मुख्यमंत्री का जो भाषण था तो उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश में सड़कें खराब हैं और बारिश के कारण से सड़कें टूट फूट गई है तो ऐसे में उनकी मरम्मत होनी चाहिए। लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा कि पहले ठेकेदारों को ये डर होता था कि अगर वो काम ढंग से नहीं करेंगे तो जो चीफ इंजीनियर है या बड़े अफसर है वो उनका बिल रोक देंगे, तो ऐसे में फिर ठेकेदार है वो काम करते थे। लेकिन अब जो ठेकेदार है उनके पार्टनर बन गए हैं कई अफसर, तो ऐसे में जब अगर अफसर ही पार्टनर बन जाते हैं तो फिर ठेकेदार कैसे काम करेगा। उन्होंने माना आज ओपन वीसी में कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ा है और ठेकेदार है वो फिर क्वालिटी से समझौता करता है, क्योंकि ठेकेदार को अब डर नहीं होता अधिकारियों का, अधिकारी खुद उसका पार्टनर होता है और इस पार्टनरशिप से ही जो सड़कों की क्वालिटी है वो खराब होती है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो बड़े अफसर है मैं उनकी जिम्मेदारी मानूंगा, अगर किसी तरह की कोताही बरती गई, किसी तरह की लापरवाही हुई, क्वालिटी में समझौता हुआ, सड़कें ठीक नहीं हुई, निचले अधिकारियों की बजाय वो बड़े अधिकारी हैं उनको लापरवाह मानेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए चाहे वो नीचे के जो अधिकारी हैं उनको चाहे वो एपीओ करे, सस्पेंड करे, कुछ भी करे, लेकिन उनको क्वालिटी से समझौता मंजूर नहीं है। क्योंकि अगर पहले जब ठेका दिया जाता है तो ठेकेदार को पाबंद किया जाता है और ये शर्तें होती है कि अगले 3 साल तक या 5 साल तक है वो सड़क की मेंटेनेंस भी करेगा सड़क बनाने के लिए, लेकिन अब चूंकि अधिकारियों की मिली भगत होती है तो ऐसे में सड़क का निर्माण तो हो जाता है लेकिन खराब क्वालिटी के बाद जो सड़क टूट जाती है तो उनके मेंटेनेंस का काम नहीं होता, क्योंकि जो अधिकारी उनके पार्टनर है, उनके साथ है, उनसे मिले हुए हैं, वो उनकी जाके मॉनिटरिंग नहीं करते, काम को नहीं जांचते कि उन्होंने मेंटेनेंस की है नहीं की अगले 3 साल के लिए जो उन्होंने अपनी शर्तों में उसको मंजूर किया था। तो ऐसे में तकलीफ जो होती है वो सीधी सीधी जनता को होती है और ये तकलीफ जो है वो सहन नहीं होगी, ये मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा और कहा कि पब्लिक हित में उनको ये काम करना चाहिए और खुद अधिकारी अपने दिल से पूछते कि वो जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और अब उन्होंने साथ में जो प्रदेश में बारिश के कारण जो सड़कें खराब हुई है उनको तुरंत प्रभाव से ठीक करने, दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं, बजट भी स्वीकृत किया है। 20 अक्टूबर तक का जो पूरा जो समय है और उसके बाद खुद मुख्यमंत्री एक बार फिर मीटिंग लेंगे, रिव्यू करेंगे और तब तक पूरी रिपोर्ट है वो उन तक पेश कर दी जाएगी। तो एक तरह से बड़ा जो मुख्यमंत्री ने आज स्वीकार किया है, जो लगातार आरोप पहले लगते थे मीडिया में भी इस तरह की बातें आती थी कि जो अधिकारी है वो ठेकेदारों से मिले होते हैं, तो आज खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि अब अधिकारी है वो पार्टनर बन गए ठेकेदारों के।
यानी साफ साफ है मिली भगत का जो खेल होता है उसके कारण से ही क्वालिटी है उसका स्तर गिरता है, सड़कें अच्छी नहीं बनती जिस कारण से जो नई सड़क बनने के बिल्कुल हिदायत तो दे दिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अब देखना होगा कि अधिकारियों पर इसका कितना असर पड़ता है और कितना भ्रष्टाचार कम करने की कोशिश ये अधिकारी करते हैं। बहुत शुक्रिया नरेश आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।